नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखाई देगी, उस बेल बटन को प्रेस करें जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलते हैं आज की पहली खबर पर। आज की सबसे पहली खबर है कि कैलाश सत्यार्थी पर आधारित वृत्त चित्र को शीर्ष सम्मान। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैलाश, जिसका संडेस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ है, ने फेस्टिवल में US ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है। डेरेक डोनिन द्वारा निर्देशक वृत्तचित्र नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी पर आधारित है। बाल दास्ता के खिलाफ सत्यार्थी के अभियान ने हजारों बच्चों को बचाने की मदद की है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल DN सहाय का निधन हो गया है। DN सहाय, इनका पूरा नाम था नंदन सहाय। ये छत्तीसगढ़ के जो, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो उस समय ये सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे यही बने थे, DN सहाय। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय का दीर्घ बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 82 वर्ष के थे। 1936 में जन्मे सहाय ने भारतीय पुलिस सेवा के साथ अपना करियर शुरू किया और बाद में बिहार के DGP बने। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वह इसके पहले राज्यपाल बने। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर जो है वो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है, ये है कि जो एसिड हमले के जो पीड़ितों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। जो एसिड हमले के जो जितने भी पीड़ित हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में, उनको आरक्षण मिलेगा। ऑटिज्म, मानसिक बीमारियों, बौद्धिक विकलांगता और एसिड हमले के शिकार लोगों को अब केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षित कोटा मिलेगा। जो भी एसिड हमले से पीड़ित हैं उन सबको केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षित कोटा मिलेगा। सीधे भर्ती के मामले में A, B और C श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग लोगों को मौजूदा 3% के मुकाबले रिक्त पदों की कुल संख्या का 4% आरक्षण मिलेगा। बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है हम सबके लिए। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। अगली खबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 9 फरवरी से चालू हो रहा है। 9 फरवरी से उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 प्रमुख पक्षी विज्ञानी उपस्थित होंगे। प्रख्यात वृत्त चित्र निर्माता माइक पांडे महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे, और इसमें दोस्तों कम से कम 450 पक्षी आएंगे, और उन 450 पक्षियों में के लिए बहुत ही अच्छे पक्षी विशेषज्ञ भी आएंगे। जो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये UP में है। 9 फरवरी से चालू हो रहा है ये महोत्सव। और चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, जयपुर में फरवरी 4 से 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का तीसरा संस्करण जयपुर में 4 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला संघों, नीति निर्माताओं और किसानों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न देशों के 750 से अधिक प्रतिनिधियों के 4 दिवसीय बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। 2018 सम्मेलन का केंद्रीय विषय होगा, जो इसका 2018 का जो सम्मेलन होगा ये मसाला का, इसका विषय होगा परिवर्तन और सहयोग के माध्यम से व्यवधान प्रबंध होगा। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, फिनलैंड ने साउली निनिस्टो को फिर से राष्ट्रपति चुन लिया है। फिनलैंड ने साउली निनिस्टो को, दोबारा सुनो, फिनलैंड ने साउली निनिस्टो को फिर से राष्ट्रपति चुन लिया है। फिनलैंड ने अपने लोकप्रिय और व्यवहारिक राष्ट्रपति साउली निनिस्टो को फिर से चुन लिया है, जिन्हें देश के शक्तिशाली पड़ोसी रूस के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इनको फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। ये 69 वर्ष के हैं। 69 वर्षीय निनिस्टो ने सीधी जीत दर्ज की, जिससे मतदान के दूसरे दौर की आवश्यकता ही नहीं हुई, जो कि फिनलैंड द्वारा 1994 में लोकप्रिय वोट से राष्ट्रपति चुनाव शुरू करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर, नजमा आजाद समेत 5 को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया है। 5 लोगों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया है। इसमें सांसद के लोग हैं, भारतीय संसदीय ग्रुप IPG ने 5 सांसदों को बकाया संसदीय पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद
और मणिपुर की राज्यपाल और पूर्व अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला शामिल हैं। इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सांसदों में लोकसभा के 3 सांसद हैं, लोकसभा के 3 सांसद और राज्यसभा के 2 सदस्य शामिल हैं। आपके लिए ये प्रश्न बन गया, आपके पेपर में कभी भी आ सकता है कि ये जो पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सांसदों में से लोकसभा के कितने सांसद थे और राज्यसभा के कितने सांसद थे। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, लोकसभा के 3 सांसद हैं और राज्यसभा के 2 सदस्य शामिल हैं इस पुरस्कार में। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिल चुका है। या आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिल चुका है। बॉलीवुड प्लेबैक गायिका आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। वह इस पुरस्कार की 5वीं विजेता होंगी। इस पुरस्कार की वो 5वीं विजेता हैं। पिछले कार्यकर्ताओं में आशा भोसले की बड़ी बहन और बॉलीवुड पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, अभिनेता अमिताभ बच्चन, रेखा और शाहरुख खान हैं इसमें जो पिछली बार जो प्राप्तकर्ता हैं इस पुरस्कार के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।